राम राम अर्चना सुहासिनी शो में आपका स्वागत है। आज आपने मिलेंगे हरियाणवी संस्कृति केंद्र धनुषी रंग किस्से कहानी गीत और बातचीत अपनों के संग। आप वार सीरीज सुनने लाग रहे हैं यानी कि वारों की कहानी। सोमवार मंगलवार बुधवार की आपने सुन ली और आज बारी है वीरवार की कहानी की। तो एक बार की बात, एक साहूकार थो। साहूकार काम काज के सिलसिले में जा रहे थे परदेश और खूब धन कमा कर ने भेजा करतो घर। जब घरा भेजा कर तो उसकी घरवाली इसी निकम्मी थी कि वह उस धन से ही दुखी हो रही थी। बोले मरनू कह रखे बोल रोज दान कराया कर। बोले मैं तो दान करती करती दुखी होगी से पेंडा कुकर छूटा इस धन से। बोले इतना के दान कराया जा है, क्यों कंजूस भी थी वह और उसने फिर कह रखी थी कि दान कराया कर, तो भाई इससे पेंडा कुकर छूटा। तो एक बार कोई आया मांगने वाला और वह उसने देन लाग गई ना, तो बोले नू बात बताना बाबा के यो इस दान से मेरा पेंडा कुकर छुटा, इस दान से पेंडा छुटा दे। बोले बहुत आसान है दान से पेंडा छुटवाना। तो बोल कुकर के तनू कराया कर, वीरवार ने गोबर से घर न लिपया कर। बोले अच्छा, और फिर सिर धोया कर और उसी दिन कपड़े भी धोया कर। बोले ये तेरे ज़्यादा के तो 5-7 वीरवार के बाद तेरा देख ले दान तो पेंडा छुट जाएगा। तो वह तो राजी होगी, वह तो लग गई वीरवार का दिन आंगना लिपे, वीरवार का दिन सिर धोवे, वीरवार का दिन कपड़े धोवे। और वह देखा उसका धीरे धीरे तो धन संपत्ति खत्म होने लगी, खत्म होने लगी। उसका तो इसी हालत हो गई कि वह बीमार हो गई और वह तो खुद ही चलती पड़ी। तो वह मर गी उसका एक छोरी थी। थोड़े दिन बाद साहूकार भी लुटपीट लिया और वो आया घर, देखा ओहो इतना धन भेजा करता, इतना कमाया, मेरा थोड़ा व्यापार डूब्या उरे भी किमे नहीं है। अरवा तो जा जूली, तो छोरी उसकी एक ये बेचारा के करे मेहनत मजदूरी करन लग गया। ये मेहनत मजदूरी करे उसका रोज मिला उसने 2 रुपये और उन बाप बेटी का गुजारा बहुत मुश्किल तो हुआ। तो एक दिन राजा ने सब खातर लंगर लगा रखे, तो भाई सारी प्रजा जो है वो रजी में का जाओ। तो बाप बेटी राजी हो गए। बोले बेटी देखे आज तो अपने 2 रुपये बचेंगे, आपन करा कि आज राजा का जीमन चाला। तो वो राजा के जिम्मन गए न उड़ा इसे होए भगवान के करने के जिस कमरा में बैठ के वे जिम्मे थे। बोले उड़ा रानी का हार था खुट्टी पे और बोले वो गायब हो गया तो कुकर के उनका दोष लगा दिया। बोले हो ना हो ये बाप बेटी थे उड़ा इस कमरे में तो, और इनने ही हार जो है गायब कराया है। दोनों ने जेड़ में घेर दिया, इब जेड़ में घेर दिया, इब उल्टे दिन लाग रहे थे उनके। तो उन रात ने वीरवार महाराज के दर्शन हुए सपना में दिखे साहूकार ने, और बोले साहूकार ने बताई कि किस विधि से उसका धन वापिस आ सकता है। तो सवेरे उठते ही उसके पास 2 रुपये बच रहे थे। वो जो उड़ा था पहरेदार था उसने दिए। बोले भाई गुड़ और चने लिया दे, मैंने वीरवार महाराज की कहानी सुननी है। तो बाप बेटी दोनों वीरवार महाराज की कहानी सुनने लग गए। उड़ा चील लेकर गई थी रानी का हार और वो हार जो है वापिस मिल गया और उनने बरी कर दिया। बरीकरण के बाद राजा ने भी पछतावा होया, भाई देखे छोटी छोरी है और बोले खाम खाई मैंने पे इल्जाम लगाया छोरी पे के बीतती होगी। बोले भाई छोरी का खर्चा सारा मैं ब्याह तक मैं ओटू हूँ करके ना राजा धन दौलत दे कर ना घरा भेजते हैं। साहूकार का धीरे धीरे काम चालन लग जा, व्यापार चालन लग जा और ईसा ठूठा, क्योंकि उनने नेम नहीं तोड़ा था वीरवार महाराज की कहानी कहण का। बाप बेटी दोनों नित्यनेम वीरवार महाराज की कहानी कहा करते। तो वीरवार महाराज दोनों ने खूब ठूठा और उनने ठूठा ईसा सब ने ठूठा आपने हमने सुनता गिनता ना उकारा वरता ने। आप सबने राम राम।